दतिया में स्कूली बच्चों एवं अन्य सवारियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां चल रही सैकड़ों की संख्या में टैक्सी चालक बगैर दस्तावेजों के ही वाहन चला रहे हैं। इसके साथ ही एक एक ऑटो में 20 से 25 बच्चे भी बैठा कर ले जाए जा रहे हैं। आज जब मजिस्ट्रियल चेकिंग हुई तो इन सब बातों का खुलासा हुआ। बुधवार को सुबह से ही शहर के 3 प्रमुख यातायात पॉइंट लगाए गए, जिसमें राजगढ़ चौराहा, बम बम महादेव, चुंगी पुल के पास सब CJM रोहित सिंह के निर्देश पर स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, तो बड़ी लापरवाही स्कूल वाहनों की सामने आई। कोर्ट के आदेश पर दतिया जिला न्यायालय द्वारा CJM श्री रोहित सिंह साहब द्वारा आज मजिस्ट्रेट चेकिंग की जा रही है। आज मजिस्ट्रेट चेकिंग 3 पॉइंटों पर लगाई गई है, हाईवे पुल के पास और अपने राजगढ़ चौराहे पर। आज काफ़ी वाहन स्कूल के बच्चों के क्षमता से अधिक पाए गए और सबसे बड़ी बात ये रही आज चेकिंग में कि किसी भी ऑटो में जो स्कूली बच्चे जा रहे हैं उसमें कोई भी कागज उनके पास मौजूद नहीं है। ये गंभीर विषय है, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय तो अपने समय समय पर चेकिंग कर रहा है, लेकिन सबसे गंभीर मामला ये है कि प्रशासन सख्त नहीं है, क्योंकि आज वाहनों में कोई फिटनेस नहीं है, ना जाली लगी हुई है सेफ्टी के लिए। सारी गाड़ियों में 20 बच्चे भरे हुए हैं ऑटो में, जो कि बच्चों को जान को लेकर काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है। वॉइस ऑफ MP के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।